Now you can see the tea garden behind me. Not only behind, मेरे आगे पीछे चारों तरफ tea garden है और ये है दार्जिलिंग का tea garden and you know दार्जिलिंग is famous for tea और ये पूरा चाय का ही बगीचा है, चाय का ही खेत है, काफ़ी खूबसूरत है और स्कैमिंग भी उतना ही खूबसूरत होता है। मैं बताता हूँ स्कैमिंग का, आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। इस टी गार्डन के ठीक बाहर कुछ टी शॉप्स है जो आपको टी सेल करते हैं और आपको बताया जाता है कि ये टी दार्जिलिंग टी है। आपको दार्जिलिंग में है तो दार्जिलिंग टी है, बट ये वो टी नहीं है जिसके लिए दार्जिलिंग फेमस है, क्योंकि दार्जिलिंग का जो स्पेशल टी है वो सेकेंड फ्लस टी का प्राइस है 3000 per kg। एक किलो चाय की कीमत है 3000 और फर्स्ट फ्लस चाय की कीमत है 6500 रुपया, 6500 rupees per kg वह फर्स्ट फ्लस। और एक डायमंड कोई बोल के कोई चाय होता है जिसका प्राइस है 32500 रुपया per kg, वो डायमंड शायद कोई क्वालिटी होता है डायमंड बोल के कोई, तो वो वन ऑफ द बेस्ट चाय है। उसका उसकी कीमत है 32500 रुपया per kg। और बाहर में इस टी गार्डन के बाहर बहुत सारे टी शॉप्स है, वो आपको कुछ चाय का पैकेट आपको बेचा जाता है, छोटा छोटा चाय का पैकेट बेचा जाता है दार्जिलिंग टी के नाम से। दार्जिलिंग टी मैं तो उसको नहीं कहूँगा क्योंकि ये कॉमन सेंस है, जहाँ चाय की कीमत 6500 रुपया per kg है, अगर मैं 100 ग्राम भी लेता हूँ तो उसका कीमत आता है 650 रुपया या 400 से 650-700 रुपये के बीच में सिर्फ 100 ग्राम का कीमत आता है। लेकिन वो मोहतरमा आपको वो चाय बस 60-70 रुपये 80 रुपये में बेच देती है। कहीं कहीं कभी कभी किसी किसी केस में वही सस्ता वाला चाय किसी किसी कस्टमर को बहुत ज़्यादा प्राइस में दार्जिलिंग टी बताकर 700-800 रुपये में भी सेल कर दिया जाता है, हालांकि वो ओरिजिनल टी नहीं है। मैं बार बार बोला हूँ वो ओरिजिनल टी नहीं है, ओरिजिनल टी कुछ ही मार्केट्स में अवेलेबल है और ओरिजिनल टी एक्सपोर्ट हो जाते हैं, तो ओरिजिनल टी ऐसे लोकल वेंडर्स के पास आपको नहीं मिलेगा। हालांकि मैं भी ऐसे सिचुएशन से गुजर चुका हूँ, मैंने भी वो फेक टी नहीं नॉर्मल टी था, वो ऑर्डिनरी टी था, बट एनीवे मैंने खरीदा और बाद में मुझे पता चला कि वो ओरिजिनल दार्जिलिंग टी नहीं है, क्योंकि ये कॉमन सेंस है, ओरिजिनल दार्जिलिंग टी का प्राइस बहुत एक्सपेंसिव है, 100 ग्राम 3500-6500 वो फ्लस के ऊपर डिपेंड करता है। और ये मोहतरमा मुझे 70-80 रुपये में मुझे इतना बड़ा पैकेट 100 ग्राम का पैकेट बढ़ा दी, तो ऑब्वियसली इतने कम दाम में मुझे वो क्यों बेचेंगी, तो वो ऑथेंटिक टी नहीं है। तो ये था, ये कुछ स्कैम्स है जो दार्जिलिंग में आपको यू हैव टू बीवेयर दिस टाइप ऑफ स्कैम्स, स्पेशली दार्जिलिंग है तो टी का स्कैमिंग यहाँ पे ज़्यादा होता है। पिछले बार मैंने नेपाल के स्कैमिंग के ऊपर एक वीडियो बनाया था, तो बहुत सारे वहाँ के लोकल बंदे थे, पता है पिछले बार मैंने नेपाल के ऊपर वीडियो बनाया था, वहाँ के बहुत सारे लोकल बंदे ना मुझे कमेंट में गाली दे रहे थे कि अपने इंडिया में जाकर ऐसे वीडियोस बनाओ, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। यार इसमें ख़राब लगना है कुछ नहीं है, मैं बस जो सच्चाई है उसको एक्सपोज कर रहा हूँ, वहाँ का जो ट्रूथ है, वहाँ का जो रियल फैक्ट्स है मैंने बस उसको शेयर किया, मैंने वहाँ पे कुछ अपने खुद से बनाकर नहीं बोला, बस जो फैक्ट्स है मैंने उसको शेयर किया। तो यार आप गालियाँ भी देते हो तो इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरा कमेंट्स बढ़ता है, मेरा TRP बढ़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और दार्जिलिंग का भी कुछ ऐसा ही कुछ है, गाली अगर पड़ेगा तो कोई बात नहीं, मेरा ही कमेंट्स बढ़ेगा।